हेलो हेलो बच्चों हेलो एक बार बेटा कंफर्म करके बताइए क्या आप तक मेरी आवाज़ ठीक से आ पा रही है स्नेहा प्रीति नेहा बेटा अब बताइए सुन पा रहे हैं एक बार जल्दी से कंफर्म करो मनीष क्या आवाज़ अभी भी नहीं आ पा रही प्रीति बेटा सब फाइन चल रहा है अब अजय कुमार ओके तो बच्चों उम्मीद करता हूं अब ऑडियो वीडियो सब ठीक चल रहा होगा अब आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे बेटा प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेटा कंप्लीट आपकी प्रैक्टिस के लिए बेटा कंप्लीट आपके अभ्यास के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस का ये बैच हमने आपके साथ यूट्यूब पर स्टार्ट किया है दो बजे से लेकर आपकी क्लास शुरू होती है डेली बच्चों हम रीजनिंग के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले बच्चों मैंने आपको नंबर सीरीज टॉपिक के सवाल करवाए फिर मैंने आपको लेटर सीरीज के सवाल करवाए और अब दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का बेटा बहुत ही आवश्यक कंसेप्ट आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा अभी रिसेंट में जो सी एच एस एल का और सी जी एल का एग्जाम हुआ है बच्चों इस पेपर के जो कोडिंग डिकोडिंग के सवाल पूछे गए हैं उनको इस क्लास में आप लोग हल करेंगे बेटा वो सारे क्वेश्चन आप हल कीजिएगा और देखना बेटा आप कितने बेहतरीन प्रकार से टॉपिक को समझ जाओगे एक एक बात बेटा आपके लिए कितनी बढ़िया प्रकार से क्लियर होगी तो चलिए बच्चों बहुत टाइम लिए बिना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की क्लास में हम कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक के उन प्रश्नों का हल करेंगे जो अभी रिसेंट सी और सी के एग्ज़ाम के पूछे गए सवाल हैं दोस्तों सवालों का लेवल काफ़ी उम्दा काफ़ी बेहतरीन होगा आप सभी लोगों से बेटा रिक्वेस्ट है कि क्लास को पढ़ते समय पेन और कॉपी अपने पास लेकर बैठना और ईमानदारी से बेटा खुद से सवाल सॉल्व करना ऐसा मत करना कि बेटा आप बिना सवाल किए कमेंट करने लगो एक एक सवाल के बारे में कोशिश करना सोचना विचारना और तब बेटा आप फाइनल उत्तर दीजिएगा तो बच्चों टॉपिक अपना शुरू होता है सवाल नंबर एक आपकी स्क्रीन पर आने वाला है बच्चों पूरे सवाल एक एक सवाल को समझेंगे डिटेल में बच्चों इससे पहले कि हम क्लास को कंटिन्यू करें आपका बेटा हम दो मिनट का समय लेंगे हमारे अनकेडमी प्लेटफॉर्म पर आने वाले प्लस बैचेज़ के लिए जो बच्चे अनकेडमी प्लस पर बेटा सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप ध्यान दीजिए दोस्तों मैं आपके साथ अनकेडमी प्लस पर बेटा रेगुलर लाइव बैचे लेके आ रहा हूँ डेली बेटा अनकेडमी प्लस पर अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे बेटा इन सभी बैचेस को एक्सेस कर पाएंगे 22 तारीख यानी कि बुधवार से आपके लिए टॉप एजुकेटर्स के टॉप बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं प्यारे बच्चों अगर आप अनकेडमी प्लस पर सब्सक्राइब करते हैं तो बेटा आपको बहुत सारे बैचेज मिलेंगे आप कितने भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं अनलिमिटेड बैच का एक्सेस मिलता है दोस्तों टीम फोनिक्स हमारा बैच आ रहा है बच्चों सी जी एल इक्कीस बाईस और सीटस एल के लिए 22 सितंबर से यह बैच स्टार्ट होगा एवन बेटा बैच होगा पूरा कंटेंट तुम्हें करवाया जाएगा हर एक बैच में बेटा आपको पी मिलती है डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं और बेटा टेस्ट सीरीज भी आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाती है सीई का ब्रह्मास्त्र बैच बेटा ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यह स्टार्ट हो रहा है बाईस सितंबर से सफलता बैच दोस्तों सी जी एल सी एच एस एल के लिए स्टार्ट हो रहा है बाईस सितंबर से प्यारे बच्चों यूपीएसआई और कॉन्स्टेबल के लिए बेटा फाउंडेशन बैच हमारा आ रहा है बाईस सितंबर से हर बैच में कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिलेगी बेटा अगर आप अनकेडमी प्लस पर सब्सक्राइब करते हैं तो प्रत्येक एग्जाम के लिए बेटा आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं एम के लिए स्टेनोग्राफर के लिए सी के लिए जे के लिए सी के लिए सबके लिए बेटा आपको फैसिलिटी मिलेगी और अगर आप प्लस के बेटा लर्नर हैं तो अब आप आस्क ए डाउट फीचर को बेटा यूज कर सकते हैं एनी टाइम ट्वेंटी फोर इंटू सेवन कभी भी आपका कोई सवाल डाउट हो बेटा तो तुरंत फोटो भेजिएगा हैंड टू हैंड मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन बेटा अल्टीमेट फीचर है आपके लिए रेज हैंड का फीचर बेटा अनलॉक हो चुका है रेज हैंड का फीचर आपके लिए अवेलेबल है अब आप लाइव क्लास में टीचर से बेटा डायरेक्ट बात कर सकते हैं डायरेक्ट बेटा फेस टू फेस वन टू वन बालक से बात हो सकती है अभी सितंबर का ऑफर चल रहा है बेटा दो साल पर आठ महीने छः महीने पर दो महीने और बारह महीने पर चार महीने का टाइम मिल रहा है एडिशनल अगर आप एस और बैंक का कॉम्बो लेते हैं बेटा तो दो साल पर एक साल और एक साल पर छः महीने आपको मिल रहे हैं एडिशनल ये तुरंत बेटा अपॉर्चुनिटी को ग्रैप कीजिएगा हर संडे को दोपहर बारह बजे अनकेडमी कॉम्बैक होता है कॉम्बैक को ज्वाइन करने के लिए सुमित गोयल सर कोड का प्रयोग करें बेटा और टॉप स्कोर के बच्चों को मिलेगा फ्री सब्सक्रिप्शन अगर आप अनकेडमी प्लस पर किसी भी एग्जाम के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरा बेटा रेफरल कोड सुमित गोयल सर वाई सुमित गोयल सर वाई का यूज करें बेटा टेन परसेंट का ऑफ मिलेगा और रेगुलर बेस पे अपनी क्लासेस को स्टार्ट कीजिए ऑल सेट दोस्तों लेट्स क्रैक इट बेटा किसी भी एग्जाम के लिए सब्सक्राइब करना हो तो रेफरल कोड का यूज करना भूलिए मत दोस्तों आज की क्लास का सवाल नंबर एक आपके सामने आ चुका है बेटा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और अभी रिसेंट के जो एग्जाम हुए हैं ये उन्हीं का पेपर है उन्हीं के सवाल हैं फटाफट कोशिश कीजिए अगर आप लोग इस सवाल का उत्तर ज्ञात कर पाए तो मुझे बताइए बेटा इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज प्राउड इज रिटन एज डब्ल्यू वाई जे के पी के हाउ इज गिल्टी विल बी रिटर्न गिल्टी को उस भाषा में क्या लिखा जाएगा आप सभी लोग इस सवाल के बेटा कोशिश कीजिए और जितने बच्चे सेशन को लाइव जुड़ चुके हैं बेटा आप लोग सेशन को लाइक और शेयर बेटा कर दीजिएगा अगर आपको सारी बातें समझ में आए तो लाइक और शेयर करने में बेटा किसी प्रकार की कोताही मत बरतिएगा सेशन आपके सामने है निश्चित कोड में प्राउड को डब्ल्यू वाई जे के पी लिखा जाता है तो आपसे पूछा गया कि उसी लैंग्वेज में गिल्टी को क्या लिखा जाएगा फटाफट सारे बालक ट्राई करें उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा उम्मीद करता हूँ सारे बालक उत्तर दे पाएंगे वेरी फास्ट करना बेटा भूमिका नेहा रानी शीतल मन्यु वेदिका आशु ऋषभ बहुत बढ़िया बेटे सभी लोग कर पा रहे हैं सवाल पी आर ओ यू डी प्राउड का तुमने बेटा कोड किया है डब्ल्यू वाई जे पी और देखिए अब आपको ये बात समझनी है कि सर लॉजिक क्लिक कैसे होता है हमें कैसे पता लगेगा क्या लॉजिक किया है बच्चों कुछ करने की नीड नहीं है देखो आप अल्फ़ाबेट की नंबरिंग देख सकते हो अगर वैसे आप सवालों में किसी प्रकार का कंफ्यूजन फील करते हैं तो आप एक बात समझ सकते हैं कि सर अल्फाबेट की नंबरिंग हमें याद है मैंने बेटा अल्फाबेट की नंबरिंग करी तो आप मुझे बताओगे क्या अल्फ़ाबेट की नंबरिंग करने को आपको समझ में आ बात आई जी हाँ कैसे सुनिएगा किसी का उत्तर सी आया किसी का ए किसी का डी एक ही सवाल पे इतनी ज़्यादा वैरायटी। ओ oh माय गॉड ऐसा काम मत कीजिए बच्चों थोड़ा सोच समझ कर आंसर दीजिए देखो 16 में बेटा सात ऐड किया हुआ है अठारह में भी सात ऐड किया हुआ है और चार में भी सात ऐड किया हुआ है पंद्रह में से पाँच माइनस और इक्कीस में से पाँच माइनस यानी दोस्तों मैं आपको ये कह सकता हूँ इस सवाल में जो लॉजिक है वो है व्यंजन और स्वर का कॉन्सोनेंट एंड वॉवल दोस्तों वॉवल में तो पाँच माइनस किया हुआ है और कॉन्सोनेंट में सात ऐड किया हुआ है ज़रा गौर कीजिए जहाँ कहीं आपके सामने कॉन्सोनेंट था व्यंजन था व्यंजन में तो सात जोड़ा गया अगर कहीं वॉवल था तो वॉवल में पाँच कम किया गया सेम बात दोस्तों आपको गिल्टी पे लगानी है जी यू आई एल टी वाई गिली कॉन्सोनेंट दिखेगा तो सात सात जोड़ दीजिए देखो सात और सात चौदह पे क्या आएगा एन आई यू और आई वॉवल है इनमें पाँच पाँच कम करना पड़ेगा पी और डी बनेगा दोस्तों पी और डी बनेगा एल दोस्तों एल एक कॉन्सोनेंट है बारह और सात उन्नीस एस बनेगा बीस और सात सत्ताईस पर ए बनेगा पच्चीस और सात बत्तीस पे एफ बनेगा ए तुम्हारे सवाल का उत्तर बनना चाहिए था ए के अलावा जो भी उत्तर किया वो गलत किया कई लोगों ने उत्तर डी बताया कईयों ने सी बताया लॉजिक आप लोग देखिएगा एग्जामिनर ने वॉवल एंड कॉन्सोनेंट को फोकस किया है दोस्तों स्वर और व्यंजन को फोकस किया है व्यंजन में तो साथ ऐड साथ किया गया और स्वर में पाँच पाँच कम किया गया सारे बालक बताओ बात समझ में आई क्या दोस्तों इतना पॉइंट आपको क्लियर हो पाया जी हाँ बिल्कुल इजी बात है बेटा सवाल इसी प्रकार के अच्छे लेवल के आएंगे बेटा सवाल इसी प्रकार के बेहतरीन लेवल के आएंगे आप सब लोग ईमानदारी से खुद से सवालों को करने के बारे में सोचिए आप कर पाएंगे बेटा मुझे उम्मीद है मुझे विश्वास है कि आप लोग सवालों का उत्तर ज्ञात कर पाएंगे ईमानदारी से ट्राई कीजिएगा लाइक like और शेयर बेटा मस्ट कर दीजिएगा सेशन को कैंडिडेट को आपने ये कोड किया एक्शन का आपने ये कोड किया तो डिक्टेशन का कोड क्या बनेगा टेक योर टाइम बच्चों जल्दबाजी कोई नहीं है एक मिनट का समय लेगा तो लेंगे बेटा कोई दिक्कत नहीं है ऐसे सवाल देखते ही समझ लो कोई बात नहीं कैंडिडेट का आपने कोड किया है देखो थोड़ा दिमाग लगाया करो कैंडिडेट में कितने अक्षर हैं तीन तीन छः तीन नौ और यहाँ भी यही है। तो मेरे को एक आइडिया मिल रहा है आठ चार छ दो नौ दो चार एक सात क्या बच्चों आपको ये महसूस हो रहा है क्या कि इस प्रश्न में फिक्स कोडिंग का इस्तेमाल किया होगा कि पर्टिकुलर एक लेटर के लिए एक कोड यूज कर लिया और उसी कोड को बेटा बार बार इस्तेमाल किया जाएगा आपने कहा जी सर कैसे देखो भैया डी का कोड पहले भी दो आया अगली बार भी दो आया ए का कोड चार आया अगली बार भी चार आया तो यहीं से आपको आइडिया मिल गया कि हो सकता है फिक्स लॉजिक चल रहा हो देखिए अब एक्शन पर भी कहानी को मैच कर लीजिए ए का मतलब चार लिखा हुआ है देखो इसमें भी ए चार था तो इतना जजमेंट तो बेटा काफ़ी होता है सवालों को देखने के लिए इतना जजमेंट तो आपके लिए काफ़ी है उत्तर ज्ञात करने के लिए आपने कहा डिक्टेशन का, का कोड क्या बनेगा तो डी का कोड बेटा दो है दो से शुरू होगा उत्तर बी और सी तो कभी संभव ही नहीं है ओके देखो तो डिफरेंस कहाँ पे आता है वो देख लिया करो आई आई का कोड दोस्तों क्या बनेगा नौ सी का कोड बनेगा आठ टी का दोस्तों कोड बनेगा एक तो इतना देखते ही आपका उत्तर बन चुका है डी क्या सभी बच्चों का आंसर डी आ गया था देखो फिक्स कोडिंग के सवालों को देखने के बेटा दो हिंट मिलते हैं आपको बेटा दो प्रकार से ये चीज़ें आपके लिए कवर होती हैं कौन कौन सी बेटा पहली बात तो आपके लिए कवर ये होती है कि जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं बेटा जो भी लॉजिक आपको मिलते हैं उनको चेक किस प्रकार से करना है आपको अगर एक अक्षर दो बार दिया ना तो दोनों बार देखो सेम कोड देगा तो यहीं से बात को जजमेंट कर लीजिएगा यहीं से आपको बात का आइडिया हो जाएगा सवाल नंबर दो बेटा क्लियर है हाँ, ऐसा क्वेश्चन हुआ, हुआ होगा बेटा ये तो पेपर के सवाल चल रहे हैं सारे सवाल नंबर तीन काफी बेहतरीन काफी सिंपल काफी इजी क्वेश्चन है जल्दबाजी करने की कोई बात नहीं है हर एक बालक सवाल का उत्तर मुझे कमेंट करके दे सकता है जल्दबाजी में फटाफट से द बॉय हु कोड बेटा इरेलीवेंट कमेंट मत कीजिए ए, ए ए लिख दिया आपने सौ बार ऐसा काम मत कीजिए बेटा प्लीज क्लास आपके लिए फ्री चलती है तो उन चीज़ों की बेटा वैल्यू करो उनके हिसाब से पढ़ो फॉरवर्ड का बेटा आपको कोड दिया गया क्या फॉरवर्ड का मैंने आपको कोड दिया है सी एस जेड एक्स क्यू पी ई ये कोड दिया हुआ है ठीक अब आपने देखो थोड़ा सा सवाल देखते ही जजमेंट हो गया आंसर आया बेटा अरे तुरंत आपको ये बात का आइडिया मिल गया क्या कि डी से सी तक माइनस एक चल रहा होगा आर से लेकर एस तक प्लस एक चल रहा होगा ए से लेकर जेड तक माइनस एक चल रहा होगा W से लेकर X तक प्लस एक चल रहा होगा R से लेकर Q तक माइनस एक चल रहा होगा O से लेकर P तक प्लस एक चल रहा होगा और F से लेकर E तक माइनस एक चल रहा होगा पेन उठाने की नीड नहीं थी बेटा इतना सब बनाने की नीड नहीं थी आप पेपर में इतनी बातों को लिखोगे थोड़ी कि तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए ही फॉरवर्ड का हमने माइनस एक प्लस वन करके कोड बनाया है अब मैंने पूछा भैया उसी सीक्वेंस में न्यूमेरल का कोड बता दो क्या बनेगा एम ई आर ए एल तो आपने एल में माइनस एक किया के फिर आपने प्लस एक किया बी फिर माइनस एक किया क्यू के बी क्यू को देखते ही मेरा उत्तर फर्स्ट ऑप्शन आ चुका है बेटा आगे के विकल्पों को चेक करने की नौबत ही नहीं आएगी आगे के विकल्प आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों आजकल जो पेपर आ रहे हैं चाहे वो सी का हो चाहे सी का हो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का लेवल बहुत उमदा चल रहा है दोस्तों टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग बहुत शानदार लेवल पे चल रहा है बेटा और हम आपको कोडिंग डिकोडिंग के ही सारे कंसेप्ट करवाएंगे ताकि कोडिंग डिकोडिंग पर आपका पूरा एक्सपर्टाइज सिस्टम आ जाए इन बातों को आप लोग बढ़िया से कैच कर पाओ सवाल नंबर चार आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जल्दबाजी मत कीजिएगा टेक योर टाइम बेटा आराम से सवालों का उत्तर देना आपको बात समझ में आ जाएगी कोई किसी प्रकार में जल्दबाजी करने की नीड नहीं है आपको तुरंत पॉइंट समझ में आ जाएगा कि क्या बात होनी चाहिए क्या पॉइंट होना चाहिए सवाल का लेवल बहुत उम्दा है सवाल का स्तर बहुत अच्छा है सो so प्लीज़ तुक्केबाजी वाला काम मत करना बेटा देखते हैं कौन कौन बालक मुझे आंसर दे पाएंगे इनके बारे में चर्चा भी करेंगे बेटा किसी बच्चे का आंसर आया शिवम नेहा जाट शीतल सुप्रिया सी एल डी सी किसी बालक का उत्तर आया अब तक कोडिंग मैं आपको लिख दे रहा हूं हेम्पर एच ए एम पी ई -E आर तो के मत मारिएगा सत्रह इक्कीस तेईस दो दो जीरो थोड़ा स्पेस दे के लिखते हैं ताकि समझना आसान रहे आपको एक सात दो एक दो तीन दो दो जीरो तीन छः देख पा रहे इंसल्ट का भी आपने कोड लिखा है इंसल्ट। एक छ दो आठ छ चार एक तीन चार जीरो और मैंने आपसे पूछा कि सेफ्टी का कोड क्या बनना चाहिए एस ए एफ ई टी वाई काफी लोग हमें उत्तर दे पा रहे हैं कि सर उत्तर बी आएगा कई कह रहे हैं सी आएगा मैक्सिमम बालक उत्तर सी को रिप्लाई कर रहे हैं देखो भैया सी आपके सवाल का जवाब सही होगा कैसे होगा थोड़ा जजमेंट लगाओ थोड़ा बात समझने की कोशिश करो आपको ये पता है आर होता है अठारह पे और अठारह का आपने डबल लिखा है छत्तीस आखिर में मैंने देखो अठारह का डबल लिखा है छत्तीस देख पाएंगे आप बेटा देखो टी होता है ट्वेंटी पे और ट्वेंटी का आपने डबल लिखा है चालीस हाँ तो वाई पच्चीस पे होता है तो मैं समझ गया कि मेरी कोडिंग जो खत्म होगी ना वो पचास पे आएगी बेटा हमारी कोडिंग जो खत्म आएगी वो फिफ्टी पे आएगी हमारी कोडिंग जो अंत होगा वो पचास पे होगा बेटा फिफ्टी से आपका सवाल का उत्तर खत्म होगा तो बी और डी तो उत्तर कभी आएंगे नहीं बी और डी तो कभी आंसर आएंगे नहीं आपका उत्तर या तो आएगा ए और या आएगा सी तो आपका उत्तर दोस्तों या तो आएगा ए और या आएगा सी यही बात तुम्हें देखनी है अच्छा अब देखते हैं देखो तो पी 16 पे आता है तो 16 का आपने डबल भी किया बत्तीस ए बेटा एक पर आता है तो एक का भी आपने डबल किया है दो यानी कि आप लोगों को एक बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों को ओह मैंने इसमें दो मिस कर दिया क्या एक अरे हाँ भाई हाँ सही ठीक तभी समझ यू बेटा 21 पे आता है यू 21 पे आता है तो 21 का डबल कितना है 42 और एन 14 पे आता है और 14 का डबल कितना है 28 देखो भाई एक छोटी सी बात मेरी समझ लेना बेटा आसान सा पॉइंट मेरा समझ लेना कि अल्टरनेट वालों का डबल लिखा गया अल्टरनेट वालों का डबल लिखा गया तो आप मुझे बताओ ई होता है पाँच पे पाँच का डबल दस भी उसमें आना चाहिए और बेटा ए होता है एक पे एक का डबल दो भी उसमें आना चाहिए क्या आप सब लोगों को इतनी बात समझ में आई क्या क्या आप सारे लोगों को इतना आइडिया हो गया क्या ऑल्टरनेट वालों का तुमने डबल किया है दोस्तों ऑल्टरनेट वालों का तुमने डबल किया है ऑल्टरनेट जो चीज़ आती है उसका डबल किया गया है तो मेरे को देखो सेफ़्टी में दो भी आना चाहिए दस भी आना चाहिए और उसके बाद में पचास भी आना चाहिए लेकिन बेटा दो दस पचास दो दस पचास अभी भी ऑप्शन ए और सी जिंदा हैं अभी भी ऑप्शन ए और सी में कन्फ्यूज़न है वो कोई बात नहीं उसको अपन हल कर लेंगे आजकल का पेपर का लेवल इतना दोस्तों उम्दा आता है कि आप चीज़ों पर लॉजिक लगाओगे भाई साहब आपको नंबर समझने पड़ेंगे आपको दुगना आधा छोटा बड़ा जो भी नंबर है उसके बारे में क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी उसके बारे में दिमाग आपको लगाना पड़ेगा ठीक है अब दोस्तों अगला पॉइंट समझिएगा बड़ी शानदार बात है दोस्तों आपको पता है एच आता है आठ पे आपने उसमें सत्रह जोड़कर लिख दिया पच्चीस मतलब आपने टोटल ट्वेंटी फाइव करना है टोटल आपने ट्वेंटी फाइव में से माइनस कर दिया ये मान लो पच्चीस में से आठ गए सत्रह एम तेरह पे आता है पच्चीस में से तेरह गए बारह ई दोस्तों पाँच पे आता है पच्चीस में से पाँच गया बीस आई दोस्तों नौ पे आता है सोलह में से नौ गया पच्चीस एस दोस्तों उन्नीस पे आता है आपने छः लिख दिया एल बारह पे आता है आपने तेरह लिख दिया समझ रहे हो जोड़ को ट्वेंटी फाइव करना है दोस्तों तो ये मेरा एस आता है उन्नीस पे इसे लिखूँगा छः उन्नीस और छः पच्चीस एफ आता है 6 पे इसे लिखूँगा उन्नीस टी आता है दोस्तों बीस पे इसे लिखूंगा पाँच तो मेरे सवाल का उत्तर बनना चाहिए दोस्तों मेरे सवाल का उत्तर बनना चाहिए छः दो एक नौ एक जीरो पाँच और पाँच जीरो उत्तर विल बी ए सी तुम्हारा उत्तर नहीं आएगा बेटा ए करेक्ट आंसर बनेगा ए विल बी करेक्ट आंसर लॉजिक कितना जबरदस्त देख पा रहे हैं लॉजिक कितना अल्टीमेट कैच कर पा रहे हैं बेटा ऑल्टरनेट वाले का डबल और सेकंड वाले में पच्चीस का गैप देकर लिखा गया सवाल बहुत बेहतरीन सवाल बहुत अल्टीमेट सी एच एस एल के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के पेपर का पूछा हुआ सवाल है बेटा ये लास्ट में 550 आएगा ना बेटा लास्ट में 550 आएगा तो ठीक है टी ट्वेंटी आता है उसको पांच लिखा बेटा बेटा कोई बेटा कोई कारण नहीं है पच्चीस क्यों लगाया अब आप कहोगे डबल क्यों किया ऐसा नहीं होता है बेटा आपको जजमेंट करना है आपको डी कोड तो करना है आप देखो ना आठ को लिखा है सत्रह तेरह को लिखा है बारह पाँच को लिखा है बीस तो मतलब कि पच्चीस में से डिफरेंस लिया हुआ है अरे आई नौ पर आता है आपने लिखा सोलह एस उन्नीस पे आता है आपने लिखा छः एल बारह पे आता है आपने लिखा तेरह सवाल नंबर चार आपको समझ में आया बेटा शानदार लेवल के सवाल देख पा रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे एक बार कि हाँ वास्तव में सवालों का लेवल बहुत दमदार है बेटा शीतल देखकर हिट होगा ना आप देखो यार आठ को लिखा है आपने सत्रह तेरह को लिखा है आपने बारह अब इतना तो जजमेंट करो भाई देखो मैं कभी आपको इस प्रकार की कहानी बता रहा हूँ समझो मैं आठ को लिख रहा हूँ सत्रह मैं तेरह को लिख रहा हूँ बारह मैं छः को लिख रहा हूँ उन्नीस मान लो मैं दस को लिख रहा हूँ पंद्रह मान लो मैं ऐसी कोई बात लिख रहा हूँ बेटा तो आप समझ लोगे ना कि टोटल ट्वेंटी फाइव करना चाह रहे हैं इनका भी टोटल ट्वेंटी फाइव है इनका भी टोटल ट्वेंटी फाइव है इनका भी टोटल ट्वेंटी फाइव है, है सवाल नंबर पाँच सवाल नंबर पाँच पे दिमाग लगाइए एक बार चौथा क्वेश्चन आपने किया बहुत ही शानदार लेवल का ऐसे ही बेटा सवाल नंबर पाँच आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सारे बालक मुझे पाँचवें सवाल का उत्तर देंगे बैग का ये कोड है मिक्सचर का ये कोड है तो फ्रॉक्स का कोड क्या बनेगा डू इट वेरी फास्ट इनकी शीट भी चाहिए टेलीग्राम में आपको कह रहे हैं आप चलो बेटा करवाएंगे व्यवस्था अभी मनयु मेरे भाई बिना प्रैक्टिस के तो सिलेक्शन लेना ही पॉसिबल नहीं है बिना प्रैक्टिस के तो सिलेक्शन लेना ही पॉसिबल नहीं है मेरे भाई अगर एसएससी में क्या किसी भी काम में बेटा आपको कामयाबी चाहिए यस yes. बैक का कोड है बैक देखो बी ए सी के आपने लिखा है वाई ई एक्स पी एक आपको दिया हुआ है मिक्सचर एम आई एक्स टी यू आर ई तो एम का दोस्तों अपोजिट देखो एन बी लिखा हुआ है ओ सी जी ए आई आई कैसे किया ये कोड दोस्तों ध्यान दीजिए इस सवाल का लॉजिक बड़ा शानदार है जो कॉन्सोनेंट होते हैं कॉन्सोनेंट जिसे हम बोलते हैं व्यंजन बेटा व्यंजन में तो आपने क्या किया है अपोजिट लेटर पेयर यूज किए हैं अपोजिट लेटर पेयर के बारे में जानकारी है बच्चों आपको अपोजिट लेटर पेयर का आइडिया है आपको ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन दीज आर थर्टीन अपोजिट लेटर पेयर दोस्तों ये तेरह विपरीत अक्षर युग्म होते हैं दीज आर थर्टीन अपोजिट लेटर पेयर तो देखो इन चीज़ों को अगर आप याद करोगे तो समझ लोगे सवाल में आपको ये दिया बी का अपोजिट वाई सी का अपोजिट एक्स एम का अपोजिट एन एक्स का अपोजिट सी टी का अपोजिट यू जी आर का अपोजिट आई कॉन्सोनेंट का तो अपोजिट लेटर दिया हुआ है और बेटा वॉवल पे आपने नेक्स्ट वाला वॉवल यूज़ किया है ए ई आई ओ यू के बारे में जानते हैं ए ई आई ओ यू के बारे में जानते हैं बच्चों तो आप देखो ए के बाद में आता है ई e। बेटा आप ये बात जानते हैं आई के बाद में आता है ओ यू के बाद में अगेन ए आएगा और ई के बाद में आई बेहतरीन चीज़ें चल रही हैं सवालों में कॉन्सोनेंट पर तो अपोजिट और बेटा वॉवल में आपको दिया हुआ है नेक्स्ट तो आप कहेंगे सर एफ का उल्टा तो यू बनेगा आर का उल्टा आई बनेगा ओ के बाद में वोवल यू आएगा जी का उल्टा टी बनेगा और एस का उल्टा एच बनेगा सवाल का उत्तर आना चाहिए यू आई यू टी एच ऑप्शन नंबर ए ईमानदारी से सवाल पे देखो लेवल को देखकर बताओ भैया पांचवा क्वेश्चन समझ में आया आजकल के एग्ज़ाम का बेटा टारगेट ये है जो आजकल पेपर चल रहे हैं उनमें जो कोडिंग डिकोडिंग चल रही है ना इनमें ऐसे सवाल बनते हैं अब आज कोई आप दस साल पुराना सवाल बैठ कर करते हो मान लो आप घर बैठ कर प्रैक्टिस कर रहे हो और आप घर बैठ के अंधकार में जीकर ऐसे सवाल कर रहे हो कि ए पी पी एल ई इसका हमने कोड किया है बी क्यू क्यू एम एफ और आपसे पूछा जाए कि बताओ हाउस का कोड क्या बनेगा तो आप दोस्तों ये कहोगे सर इसमें तो ना पहले एक जोड़ा फिर 16 से 17 करने के लिए भी एक और जोड़ा फिर आप कहोगे सर इस 16 से 17 करने में भी एक जोड़ा सर ये 12 से 13 करने में एक जोड़ा पाँच से छः करने में एक जोड़ा इतनी माथा पच्ची करनी पड़ेगी सर हमें फिर आठ में एक जोड़ेंगे सर नौ बन जाएगा यानी कि आई बन जाएगा ओ में एक जोड़ेंगे पी बन जाएगा पी का मतलब अरे नौ लिख दिया मैंने आई और ये पी फिर यू में एक जोड़ेंगे बोले वी बन जाएगा एस में एक जोड़ेंगे टी बन जाएगा और ये एफ बन जाएगा अब बालक इतने इजी इजी क्वेश्चन करके अपने आप को मास्टर मानने लग जाते हैं वो कहते हैं गुरु जी कोडिंग डिकोडिंग तो पूरी कर ली लेकिन जब आगे एस का एग्जाम देने जाते हैं बेटा वहाँ उनकी स्क्रीन पर सवाल बन जाता है हाई लेवल का तब वो देखते हैं कि अब क्या करें तो वो बेटा मैं कह रहा हूँ अगर आप प्रैक्टिस करो तो शानदार सवालों की करो बेटा अगर आप सवालों की बात समझो तो टफ लेवल पे सवाल करो ताकि करने में आपको मजा तो आए आपको लगे तो सही सिलेबस चल कह रहा है हमें करना क्या है लेवल क्या है तो हमेशा इसी प्रकार की बातों को समझिएगा सवाल नंबर छः आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सभी बालक फटाफट मुझे सवाल नंबर छः का आंसर दीजिए देखता हूँ कितने बालक सवाल नंबर छः को एक्सप्लेन कर पाते हैं बहुत जल्दी से बहुत आराम से बहुत प्यार से ट्राई करना है एक कूट भाषा में राफ्ट को 180, और डॉन को 99 के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में शॉवर को किस प्रकार लिखा जाएगा यह आपको सवाल में ट्राई करना है दोस्तों अच्छा तुम पेपर देना बेटा सी एच एस एल का आंखें खुली की खुली रह जाएंगी बेटा राफ्ट का तुमने कोड किया है 180, मतलब कि बेटा अल्फाबेट को नंबरिंग में कोड किया गया है अल्फाबेट को बेटा नंबरिंग में कोड किया गया है यकीनन इनकी नंबरिंग काम आएगी यकीनन अल्फाबेट की नंबरिंग आपको यूजफुल आएगी इनके आधार पे काम करना है नो no, नो no, प्रिंस राज कोई इशू नहीं है कोई भी इशू नहीं है भाई कई बालक कह रहे हैं उत्तर पाँच सौ आएगा सुनो आप देखो तर्क देखो बेटा अल्फाबेट की नंबरिंग को देखो अठारह और एक उन्नीस उन्नीस छह पच्चीस और बीस पैंतालीस बेटा अगर मैं इनको जोड़ता हूं इनका सम बनता है फोर्टी फाइव इन सब का जोड़ बनता है बेटा फोर्टी फाइव और 45 को आपने चार से मल्टीप्लाई करके 180 बना दिया मैंने इन सब का सम किया सम करके तो 45 बना तो 180 कैसे बन गया 45 का चार से गुणा किया होगा 45 को चार से मल्टीप्लाई किया होगा चार कहाँ से आया दोस्तों क्योंकि चार अक्षर थे ना राफ्ट में चार अक्षर थे इसलिए चार से मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों डे का मतलब चार ओ का मतलब पंद्रह और एन का मतलब चौदह उनतीस और चार तैतीस चूंकि डॉन में केवल तीन अक्षर थे इसलिए तीन से मल्टीप्लाई किया और ये बन गया नाइनटी नाइन नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों अक्षरों की संख्या से गुणा करना है एस का मतलब उन्नीस एच का मतलब आठ ओ का मतलब पंद्रह डब्ल्यू का मतलब तेईस ई e का मतलब पांच और आर का मतलब अठारह पहली बात तो आपको अल्फ़ाबेट की नंबरिंग तुरंत याद होनी चाहिए आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए उन्नीस और आठ दोस्तों सत्ताईस सत्ताईस और पंद्रह बयालीस तीन पैंतालीस और पैंसठ सत्तर एटी एट बनेगा एटी एट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको छः से चूँकि टोटल अक्षर कितने हैं छः तो आठ छिका अड़तालीस का आठ चार कैरी फाइव ट्वेंटी एट विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा बेटा ये जो लॉजिक आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है ना ये बड़ा ही शानदार और बड़ा ही रिपीटेड लॉजिक है एस एस सी इसको बहुत बार यूज करता है दोस्तों क्या लॉजिक है ये कि नंबर ऑफ लेटर्स जैसे इनका सम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया सब में इसको डिवाइड भी कर सकता है तो नंबर ऑफ लेटर का विशेष ध्यान रखिएगा फाइव ट्वेंटी एट आपके सवाल का उत्तर आया यहां तक की बात सारे बच्चों को क्लियर है शुक्रिया भाई चलिए सवाल नंबर सात आप लोगों के सामने आ चुका है और दोस्तों यह काफी आसान क्वेश्चन है मैं कह सकता हूं कि इस सवाल को देखकर आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि वास्तव में ये तो बहुत आसान है बहुत ही इजी है बहुत ही सिंपल सी बात है हर एक बालक इसको ट्राई कर सकता है और ये सवाल देखने में जितना आसान लग रहा है उतने इसमें गलती होने के चांस ज़्यादा हैं सारे बच्चे फटाफट मुझे तेज गति में आंसर करके बताइए युवराज सारे बच्चे मुझे तेज गति में आंसर करके बताइए सवाल का लेवल बहुत उम्दा है जल्दबाजी मत करो बेटा एसएससी वाले आजकल कम नहीं हैं तुम्हें कंफ्यूज करेंगे खतरनाक प्रकार से मॉडरेट का आपको कोड करके दिया है ओ क्यू ई एफ टी बी वी एफ बी और सी में बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है भाई लाइफ का कोड किया है एन जे जी एफ क्लियर का कोड चाहिए हाउ कैन वी राइट क्लियर सुनिए आप ये कह सकते हो क्या तेरह और पंद्रह में दो ऐड किया हुआ है इधर भी देखो दो ऐड किया हुआ है इसमें एक ऐड किया हुआ है इसमें एक ऐड किया हुआ है अठारह और दो बीस किया हुआ है फिर इसमें एक ऐड किया हुआ है इसमें दो और इसमें एक यहाँ भी दो यहाँ एक यहाँ एक और यहाँ भी एक अब कन्फ्यूज़न ये हो गया बच्चे कह रहे हैं सर कोई सिक्वेंस नहीं बन रही सर कोई लॉजिक नहीं बन रहा कभी तो ये एक जोड़ रहा है कभी ये दो जोड़ रहा है कभी ये एक जोड़ रहा है कभी ये दो जोड़ रहा है बेटा मैं आपको कहना चाहता हूँ इस सवाल का उत्तर बनेगा डी एन एफ बी टी डी एन एफ बी टी ऑप्शन नंबर सी किसने आंसर दिया था स्वाति एक तो बेटा आपने दिया है सी स्वाति रघुवंशी और सी उत्तर किसने दिया है भाई सी वाले बालक और तो कोई नहीं है भैया बाकी सब ने गलत कर दिया बाकी सब ने गलत कर दिया केवल स्वाति रघुवंशी ने इस सवाल का सही आंसर दिया था द करेक्ट आंसर विल बी सी डी एन एफ बी टी अब बच्चों के मन में एक सवाल चल रहा है दौड़ दौड़ कर कि सर हाउ कैसे सर कैसे बता दिया सी आंसर कैसे हो गया ये बात समझ नहीं आई तो सुनिए बेटा टॉपिक बहुत शानदार लॉजिक बहुत गजब का लॉजिक सी एच एस एल का सवाल है दोस्तों है ना लेवल शानदार है ना बेटा बात मज़ेदार गौर कीजिए बेटा आप अल्फाबेट की नंबरिंग समझते हो तेरह पंद्रह चार पाँच अठारह एक बीस और पाँच जरा आप कंसेप्ट को समझो देखो आप देख पा रहे हो क्या कि जो भी तुम्हारे पास डबल डिजिट का नंबर था डबल जो भी तुम्हारे पास डबल डिजिट का नंबर था उसमें तो आपने किया प्लस टू जो तुम्हारे पास सिंगल डिजिट का नंबर था उसमें किया प्लस वन आप गौर कीजिए देखो तेरह डबल डिजिट का था प्लस दो किया पंद्रह डबल डिजिट का था प्लस दो किया अठारह डबल डिजिट का था प्लस दो किया बीस डबल डिजिट का था प्लस दो किया एल बारह डबल डिजिट का था प्लस में दो किया डबल डिजिट वाले में प्लस दो किया गया चार सिंगल डिजिट में था बेटा प्लस एक कर दिया पांच सिंगल डिजिट में था प्लस एक कर दिया एक सिंगल डिजिट में था प्लस एक कर दिया और पांच सिंगल डिजिट में था प्लस एक कर दिया अब मैं लॉजिक देखो तीन होता है सिंगल डिजिट प्लस एक करूंगा एल होता है डबल डिजिट प्लस दो करूंगा ई होता है सिंगल डिजिट प्लस में एक करूंगा ए होता है सिंगल डिजिट प्लस में एक करूंगा आर होता है अठारह और प्लस में दो करूंगा आपके सवाल का उत्तर बनेगा सी क्या बताओ अब आपको लॉजिक समझ में आया अब आप कहानी समझ में आई हम चाहते तो केवल इजी इजी क्वेश्चन लेकर क्लास पढ़ सकते थे बेटा लेकिन उनका मतलब नहीं है अगर हम पढ़ना ही चाहते हैं चीज़ों को समझना ही चाहते हैं तो वास्तव में लेवल बहुत उम्दा होना चाहिए बेटा अभी आपको लग रहा होगा ये सवाल बहुत नए नए हैं लेकिन बेटा दो चार बार इनको आप रूटीन यूज में लेकर आओगे तो आप इनके यूज टू होने लगेंगे फिर यही बातें आपको आसान लगने लगेंगी और इन्हीं बातों को तेज गति में कर पाओगे सवाल नंबर सात तक की बारी बात क्लियर सात नंबर पॉइंट तक की सारी बात क्लियर चलिए बेटा सवाल नंबर आठ की बात करते हैं काफी आपने टिपिकल से क्वेश्चन कर लिए उनके बाद में अब ये आसान आ गया टफ टुफ सवाल तो आपने कई सारे कर लिए थे चलो उनके बाद एक आसान सवाल आ गया देखते हैं बेटा इसका तो आंसर मुझे आप लोग दे ही सकते हो फटाफट से लॉक का हमने कोड किया है वन टू वन टू थ्री वन वन की का हमने कोड किया है की का एक, एक दो 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 पाँच बहुत बढ़िया आप लोगों ने उत्तर दे भी दिया जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं स्वाति सत्यम बेटा सी इस सवाल का सही उत्तर नहीं है सी इस प्रश्न का सही आंसर नहीं है राइट आंसर की खोज कीजिए अबे नालाय को उत्तर सी नहीं है द करेक्ट आंसर विल बी डी डी फॉर डेली समझते हो अरे दिल्ली समझते हो डी फॉर डेली कैसे जरा गौर कीजिएगा देखो एल बारह पे आता है आपने बारह लिखा है कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर सी तीन पर आता है आपने तीन लिखा है सर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है के ग्यारह पे आता है आपने ग्यारह ही लिखा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं कॉन्सोनेट की नंबरिंग तो सेम कर दी लेकिन बेटा ओ ओ को आपने नंबरिंग किया है राइट साइड से आपको पता है लेफ्ट साइड से ओ आता है पंद्रह पे राइट साइड से आएगा बारह पे लेफ्ट साइड से ओ कितने पे आता है पंद्रह पे राइट साइड से कितने आएगा बारह पे मैं आपको कह सकता हूं क्या कि वॉवल जो होता है वॉवल यानी कि स्वर इसको तो दाएं से नंबरिंग की गई है और कॉन्सोनेंट जो होता है बेटा व्यंजन इसको बाइन से नंबरिंग की गई है ऐसा सवाल इजी था देखो के को आपने 11 लिखा है कोई दिक्कत नहीं है वाई को आपने 25 लिखा है कोई दिक्कत नहीं है और ए को राइट साइड से करूंगा बाईस आएगा यही तो लिखा गया अब डी डी का मतलब चार ई का मतलब बाईस ए का मतलब छब्बीस और आर का मतलब अठारह उत्तर बनेगा जी ऑप्शन नंबर डी जिन लोगों ने उत्तर सी किया था मतलब जानता हूँ बेटा बहुत सारे लोग ना तुक्के मार रहे हैं क्या हुआ दो तीन लोगों ने उत्तर टाइप कर दिया सी तो बाकी दुनिया ने भी सवाल नहीं करा सी 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 टाइप कर दिया तो मेरे भाई ऐसा करके सिलेक्शन थोड़ी होगा ये अभ्यास कर रहे हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बच्चों तो एटलीस्ट अपने आप से तो ईमानदार रहिएगा किसी और से तो ईमानदार पता नहीं कैसे रहोगे खुद से तो वादा करो कि खुद से ईमानदारी साबित कर सकते हो सवाल नंबर नौ आपके सामने आ चुका है और दुनिया में इससे आसान सवाल कोई नहीं बन सकता पूरी दुनिया में आप सवाल ट्राई कर लो कोडिंग डिकोडिंग का इससे आसान सवाल नहीं होगा देखते हैं कौन कौन बालक उत्तर दे पाए अरे इतनी देर में तो उत्तर आ जाना चाहिए बेटा आर एम आर वाला उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी कह दो कह दो सी आंसर आएगा आर एम आर वाला नहीं मैंने आपको आज भी तो बताया था अपोजिट लेटर पेर ए जेड बी वाई सीएक्सल्यू ईवी एफ यू जी टी एच एस ईआर जे क्यू के पी एल ओ एम एन दीजा आर थर्टीन अपोजिट लैटर पेर आपने कहा सर एक्सट्रीम का कोड बता दीजिए तो अगर मैं एक्सट्रीम का कोड ज्ञात करता हूँ ई एक्स टी आर ई एम ई देखो डायरेक्ट बेटा डायरेक्ट आपने अपोजिट किया है ई e का अपोजिट वी एक्स का अपोजिट सी टी का अपोजिट जी आर का अपोजिट आई ई e का अपोजिट वी एन एम का अपोजिट एन और ई e का अपोजिट वी आपसे पूछा गया इनिशियल का कोड क्या बनेगा आई एन आई टी आई ए एल आई का कोड दोस्तों उल्टा आर एन का उल्टा एम आई का आर जी आर जेड ओ ऐसा ऑप्शन दोस्तों एक ही था टिक कर दीजिए अपोजिट लेटर पेयर सारे बच्चों को याद होने चाहिए अपोजिट लेटर पेयर आपके दिमाग में छपे होने चाहिए ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन ये आपको याद होना चाहिए बेटा किसी निश्चित कूट भाषा में विक्ट्री को ये लिखा है हेस्ट्री को ये लिखा है सब माइल को सब लाइम को क्या लिखेंगे जल्दबाजी नहीं करनी है पाए क्या उत्तर इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए सब लाइम का कोड ज्ञात करना है। दोस्तों अल्फाबेट की नंबरिंग मैंने बताया लेफ्ट और राइट दोनों ओर से आनी चाहिए दोस्तों देखो ओ आपको पता है वाई आता है 25 पे राइट साइड से आएगा दो पे लेफ्ट साइड से पच्चीस राइट साइड से दो आर आता है अठारह पे तो राइट साइड से आएगा नौ पे टी आता है ट्वेंटी पे तो राइट साइड से आएगा सात पे सी आता है तीन पे तो राइट साइड से आएगा चौबीस पे वी आता है बाईस पे तो राइट साइड से पांच आएगा ऐसा कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट आपको राइट साइड से नंबरिंग करके लिख रहा है कॉन्सोनेंट तो बेटा क्लियर हो गया राइट right साइड से नंबरिंग करके लिख रहा है एच आता है आठ पे इसको आपने उन्नीस लिखा एच आता है उन्नीस पे इसको आपने आठ लिखा टी आता है ट्वेंटी पे इसको आपने सात लिखा वाई आता है पच्चीस पे इसको आपने दो लिखा कॉन्सोनेंट की नंबरिंग राइट साइड से की गई थी आपने कहा जी हाँ सर समझ गए और और बेटा दूसरी बात गौर कीजिएगा जो ए ई आई ओ यू होता है ना इसको भी हम वन टू थ्री फोर फाइव कह सकते हैं कि अगर मैं वॉवल में एक सीक्वेंस को काउंट कर लूँ स्वर की एक सीक्वेंस को काउंट कर लूँ तो ए नंबर एक पर आता है ई नंबर दो पर आता है आई नंबर तीन पर आता है और ओ नंबर चार पर आता है और यू नंबर पाँच पर आता है ऐसी नंबरिंग होती है बेटा इस बारे में भी आप जानते हैं तो आप कहेंगे हाँ सर अब ये बात समझ में आ गई देखो आई को इन्होंने तीन लिखा है और ओ को इन्होंने चार लिखा है आ गई बेटा बात समझ में ए को इन्होंने एक लिखा है देख लो आप तो मैं कह सकता हूँ कॉन्सोनेंट को तो राइट right साइड से नंबरिंग लिखी गई है वॉवल वावल को इन्होंने एक दो तीन चार पाँच लिखा है आजकल पेपरों में ये वाला कंसेप्ट बहुत काम आ रहा है दोस्तों आजकल पेपरों में ये बातें बहुत काम आ रही हैं अब कोड कैसे बनाऊं गौर कीजिए ए e का कोड बनेगा दो देखो ई e दो पे आता है ना एम को राइट साइड से करना है बेटा फोर्टीन करना पड़ेगा आई को करना पड़ेगा तीन एल को करना पड़ेगा पंद्रह बी को करना पड़ेगा पच्चीस यू को करना पड़ेगा पांच और एस को करना पड़ेगा आठ तो 214 से स्टार्ट पांच पे खत्म सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर आप लोगों को क्वेश्चंस में लॉजिक बड़ा शानदार मिल रहा होगा बेटा प्रत्येक सवाल में कोई गजब के लेवल की बात होगी तो इन दस सवालों में ही आपका थोड़ा दिमाग खुला होगा कि आजकल पेपर का लेवल तो इतना अमेजिंग आ रहा है कॉन्सोनेंट और वॉवल की बात राइट right साइड से लेफ्ट साइड से नंबरिंग एक एक चीज़ आपके लिए क्लियर है बच्चों मैंने आपको एक पॉइंट अभी अभी बताया है फरहान मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद दोस्तों मैंने आपको बताया देखो ए ई आई ओ यू कई बार इनको वन टू थ्री फोर फाइव ऐसी नंबरिंग कर लेता है और दोस्तों कई बार इनको एक दो तीन चार बार पाँच ऐसी नंबरिंग कर लेता है एक बार इन दोनों बातों को समझने का प्रयास कीजिए एक बार इन दोनों बातों को लिख लीजिएगा ये बातें आपके काम आएंगी दसवां सवाल समझ में आया लॉजिक बता रहा हूँ कॉन्सोनेंट को तो राइट साइड से लिखा गया दाएं तरफ से वॉवल को वन टू थ्री फोर फाइव के अकॉर्डिंग लिखा गया बेटा इससे आपका ये सवाल बन जाएगा आप लोग ट्राई कर पाएंगे चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर इलेवन पे सवाल नंबर इलेवन का लॉजिक फटाफट फाइंड कीजिएगा आज सुबह नौ बजे वाली स्पेशल क्लास बेटा आप लोग जानते होंगे जिनको नहीं पता वो लोग नोट कर लीजिए बात एक कर, कि प्रतिदिन सुबह नौ बजे नाइन ए एम टू टेन ए एम मैं सुमित गोयल आप सभी के लिए अनकेडमी प्लेटफॉर्म पर फ्री स्पेशल क्लास बेटा कंडक्ट करवाता हूँ डेली फ्री फॉर ऑल और इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का 25 क्वेश्चन का एक पूरा सेट किया करते हैं 25 क्वेश्चन बेटा पूरे सॉल्व करते हैं एक दिन पेपर सॉल्व रीजनिंग का होता है अगले दिन पेपर सॉल्व मैथ्स का होता है फिर से एक दिन रीजनिंग का पेपर फिर से एक दिन मैथ्स का पेपर ये सीक्वेंस आपकी चलती है इस सेशन का बच्चों हम नाम कहते हैं स्कोर बूस्टर सेशन ये आपके हर एक, एक एग्ज़ाम का स्कोर बूस्ट करने में काम आता है दोस्तों चलिएगा सवाल नंबर 11 का उत्तर दीजिए फटाफट बहुत बढ़िया शानदार जिन बच्चों ने अभी तक अनकेडमी प्लस पर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों आप मेरा रेफरल कोड सुमित गोयल सर यूज़ करके अनकेडमी प्लस पर ज्वाइन कर सकते हैं आज ही बहुत ही शानदार सवाल है ये फिक्स कोडिंग का सवाल आपको नज़र आएगा बेटा इस सवाल में आपको फ़िक्स कोडिंग नज़र आनी चाहिए बुटलेस का कोड आपको दिया हुआ है आज ही करवाया था वेरी गुड फिक्स कोडिंग का सवाल था कई बच्चों को तो हो सकता है आंसर भी याद रह गया हो टी का कोड आपने छः लिखा ए का कोड तुमने तीन लिखा और पी का कोड तुमने आठ लिखा ऐसा एक ही ऑप्शन था कई बार पूरा सवाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती ऑप्शन से सवाल इजी बन जाता है सवाल नंबर बारह आपके सामने आ चुका है ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन का सब बच्चे आंसर दीजिए फटाफट देखते हैं कितने बच्चे मुझे इस सवाल का उत्तर दे पाते हैं एनवलप का ये कोड किया गया उसी तरह इंटीमेट का कोड क्या बनेगा एनवलप का कोड दिया हुआ है उसी तरह आगे तुमसे कोड पूछा गया है माइंड लगाओ बेटा ई एन वी ई बेटा ये अलग अलग पेपर के क्वेश्चन हैं अब हो सकता है जो इसके बाद सवाल आए वो तुम्हें आने वाले पेपर में मिल जाए आई क्यू जेड एच पी आर टी एच हमारा पूरा कंटेंट बेटा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है सारी बातें एग्ज़ाम ओरिएंटेड और पाँच और चार नौ चौदह और तीन सत्रह बाईस और चार छब्बीस पाँच और तीन आठ बारह और चार सोलह पंद्रह और तीन अठारह सोलह और चार बीस पाँच और तीन आठ तो समझ में आया चार तीन चार तीन को ऐड करना है चार तीन चार तीन को करते जाओ इंटीमेट बनेगा आई एन टी आई एम ए टी ई नौ और चार तेरह चौदह और तीन सत्रह एम क्यू से स्टार्ट कर लीजिए खत्म अगर आप चाहें ना कि पूरा साबित करना है तो कर सकते हैं अगर आप पूरा साबित करने घर पे इच्छा रखो तो करो बेटा पेपर में आप बेसिक सा हिंट मानकर ऑप्शन की मदद लेकर सवाल इजी कर सकते हैं ऑप्शन बेटा आपकी सहायता के लिए होते हैं ऑप्शन आपकी मदद के लिए होते हैं तेरह नंबर सवाल ट्वेंटी क्वेश्चंस के लगभग आज हम क्लास में कर पाएंगे देखते हैं आप लोगों की परफॉर्मेंस क्या आती है इतनी देर में आंसर आ गया होगा तुम्हारा आपने कहा सर बी दो पर आता है ए एक पर आता है तीन तीन और चौदह सत्रह सत्रह में अगर ग्यारह जोड़ेंगे अट्ठाईस अट्ठाईस में अगर पाँच जोड़ेंगे तैतीस ते तेंतीस में जोड़ेंगे अट्ठारह कितना बनेगा इक्यावन इक्यावन बनता है कोई बात नहीं उन्नीस और सोलह पैंतीस छत्तीस और चौदह पचास मैंने आपको बेटा एक आज ही हिंट करवाया था मैंने बताया था कि नंबर ऑफ लेटर का यूज़ बहुत है नंबर ऑफ लेटर इसमें जोड़ भी सकता है नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई भी कर सकता है नंबर ऑफ़ लेटर से किसी भी प्रकार का इस्तेमाल किया जा सकता है तो आप लोग क्या करेंगे देखो सोलह और अठारह चौंतीस चौंतीस और एक पैंतीस और चौदह फोर्टी नाइन और ग्यारह साठ हो गया लेकिन पांच अक्षर थे पांच इसमें और जोड़ना पड़ेगा द राइट आंसर विल बी सिक्सटी फाइव आपको मैंने बताया था ना आपको बात याद है दोस्तों कि नंबर ऑफ लेटर हमारे काम डेफिनेटली आएगा नंबर ऑफ लेटर हमारे काम डेफिनेटली आएगा हो सकता है उससे गुणा करवा दिया जाए नंबर ऑफ लेटर को जोड़ दिया जाए किसी ना किसी पर्पज से ये बात आपको दी जाएगी तेरह नंबर तक के सवालों की बात सबको क्लियर है क्या सारे बच्चे कमेंट करके बताओ लिख कर बताओ क्लियर अब इसमें तो घबराने वाली बात नहीं है इसमें तो बालक कह रहे गुरु जी हमने कर ही लिया ये तो मतलब बालक कह रहे हैं कि हमने उत्तर ज्ञात कर लिया सर ये तो बात हो गई चलो आसान क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में सारे सवाल टफ नहीं आते हैं बहुत बढ़िया बेटा सीएलडीसी भूमिका हर्षिता ज्योत्सना अभिमन्यु आदर्श शीतल नेहा स्वाति बहुत बढ़िया बेटा सब लोग क्लास में बिल्कुल एक्टिव से पढ़ रहे हैं इसी प्रकार माहौल बना रहना चाहिए एस ए यू सी ई एस ई सी आपने कहा गुरुजी इस क्वेश्चन को तो देखते ही प्यार सा हो गया हमें देखते ही सर ये आइडिया पड़ गया कि क्या तो इसमें करना ही है पेन के साइज की मोटाई बहुत ज्यादा है कह रहे ए से सर ए लिखा और एस का आपने एस लिखा सी का सर आपने सी लिखा और ई का आपने ई लिखा कुछ भी तो नहीं किया सर और बीच वाले में बीच वाले में प्लस एक किया ए की एस की जगह बदली एक e की सी की जगह बदली यू में एक जोड़ दिया ये भी सी एच एस एल का पेपर का पूछा हुआ सवाल है दोस्तों एम ई ए एन टी का लॉजिक बनाओ तो हम कहेंगे इन दोनों की जगह बदलो ई एम बी टी एन राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों सही उत्तर बनेगा देखो एम को और ई e को रिप्लेस कर दिया एन को और टी को इंटरचेंज कर दिया और ए में दोस्तों एक जोड़ दिया यही तो सवाल का उत्तर था ई एम बी ई एम बी टी एन छांट छांट के लाया हूँ तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया सवाल प्रीवियस ईयर को देख देख कर उनमें से क्वेश्चंस को फिल्टर कर करके, कर के लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन सवाल और ऐसे ही सवाल तुम्हें कल भी करवाए जाएंगे बेटा कोडिंग डिकोडिंग का सेशन अपना कल भी चलेगा और कोडिंग डिकोडिंग का सेशन परसों भी चलेगा बेटा तीन क्लास तुम्हें करवाऊंगा कोडिंग डिकोडिंग की और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लेवल देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि आजकल पेपर में क्या आता है दस साल पुराने पेपर करके अंधकार में मत जियो दोस्तों प्रेजेंस में जियो प्रेजेंस में तो आपको ये आइडिया पड़ रहा होगा कि तेरह और एक चौदह और ग्यारह पच्चीस और पाँच तीस और अठारह अड़तालीस अरे बोलो 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 यही बोला गया क्या बोलो बेटा नंबरिंग आपको यही दी गई ना नंबरिंग आपको यही कही गई ना कि नब्बे और अड़तालीस देखो अड़तालीस को आपने नब्बे लिखा है एम तेरह पे ए एक पे के ग्यारह पे ई पाँच पे और आर अट्ठारह पे अब मैंने पूछा कि उसी लैंग्वेज में ब्रदर का कोड क्या बनेगा हाउ कैन वी राइट ब्रदर करना ट्राई बेटा फटाफट से आपने कहा सर नंबरिंग कर लें एक बार दो अठारह पैंतीस पचपन तिरसठ अड़सठ अड़सठ और आठ छहत्तर छियासी एटी सिक्स आएगा बेटा मेरे हिसाब से जोड़कर तो कोई बात नहीं बन रही ना बेटा जोड़कर तो कोई बात नहीं बन रही है जोड़कर तो आप कहानी के करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं सोच लीजिए अगर एक बार पहुंच पाए तो आप क्या पता नई बात बन रही तो आपने कहा सर देखो ये अड़तालीस है और ये नब्बे मैं तो करीब भी नहीं जा पाया कोई आधे की बात भी नहीं है कोई एक दो चार कम करने की भी बात नहीं है तो सबसे पहला काम क्या करना बेटा थोड़ा इसमें चेंज करने की कोशिश करना इसमें थोड़ा सा आप बदलाव करने की कोशिश करना कैसे आप बदलाव ये करना कि वोवल को आप नंबरिंग करना राइट साइड से वोवल को आप राइट साइड से नंबरिंग करके प्रयास करना आप स्वर को दाएं तरफ से नंबरिंग करके प्रयास करना अब मुझे बताओ थर्टी नाइन पचास पचास और चालीस नब्बे बात तो बन गई क्या ये बात नीचे वाले केस में बनेगी हाँ या ना ये बात जरूर चेक करनी है कॉन्सोनेंट को तो लेफ्ट से और वोवल को राइट right साइड से एक बार अब देखते हैं क्या बात बन रही है अठारह और दो बीस बीस और बारह बत्तीस बत्तीस और बीस बावन बावन और आठ साठ साठ और चालीस सौ हंड्रेड विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों लॉजिक बहुत शानदार है क्या है बेटा ये ये लॉजिक ये था कि कॉन्सोनेंट यानि कि व्यंजन जो होता है उसको बाई तरफ से लेफ्ट साइड से नंबरिंग दी गई वॉवल जो होता है वॉवल यानी कि स्वर इसको राइट साइड से नंबरिंग दी गई ये सब बातें लिखते रहिएगा साथ साथ मैंने कहा था सेशन पढ़ते समय पेन कॉपी अपने पास जरूर रखिएगा ताकि आप इन चीज़ों का जजमेंट तो कर पाओ इन बातों को समझ तो पाओ सवाल नंबर सेवनटीन हर क्वेश्चन बेटा बहुत टफ नहीं आता हर सवाल बहुत इजी नहीं आता ये तो एक आसान सवाल का प्रकार था थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा थोड़ी सी एरर है ठीक कर लीजिएगा ये आर नहीं है के है के इंग्लिश में एकदम ठीक लिखा हुआ था यहां से देख लेना सर्कस का कोड किया हुआ है सी आई आर सी यू एस डी के यू जी जेड वाई उसी लैंग्वेज में जोकर का कोड क्या बनेगा ये बात समझ में आई सी और डी में प्लस एक क्या हुआ है आई और के में प्लस दो आर और यू में प्लस तीन तीन और चार सात इक्कीस और पाँच छब्बीस उन्नीस और छः पच्चीस प्लस किया हुआ है एक दो तीन चार पाँच छः तो अगली बार बेटा जे में तुमने एक जोड़ा तो बनेगा के ओ में तुमने दो जोड़ा तो बनेगा एल सॉरी एल क्यू क्यों बनेगा तीन जोड़ेंगे तो बनेगा एन क्यू एन का ऑप्शन दो है क्या एक ही ऑप्शन अगर चार जोड़ेंगे तो देखो आई भी कह सकते हैं और पांच जोड़ेंगे तो डब्ल्यू भी कह सकते हैं उत्तर बनेगा पी सवाल नंबर सेवनटीन दोस्तों सवाल नंबर सेवनटीन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अल्फाबेट को नंबर में कोड करना है इस सवाल का सॉल्यूशन पूरा पाने के लिए अल्फाबेट को नंबर में कोड करेंगे दोस्तों डिस्क डी आई एस के पैंसठ है कोड पैंसठ वायर डब्ल्यू आई आर ई कोड है बेटा फिफ्टी थ्री सेल का कोड चाहिए करना ट्राई फटाफट से अल्फाबेट की नंबरिंग का यूज़ करो बेटा लेफ्ट साइड राइट साइड दाएं बाएं दिमाग लगाओ और कोशिश करो सवाल का उत्तर क्या बनेगा सवाल करने में एक दो मिनट का समय लगे तो जल्दबाजी की बात नहीं है समय लगाना चाहिए बेटा अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस के लिए साम दाम दंड भेद तिकड़म आपको लगाने आने चाहिए कोई और बालक उत्तर कहे नहीं आ रहा चार नौ तेरह तेरह और उन्नीस और ग्यारह चार और नौ तेरह होते हैं बेटा तेरह और उन्नीस बनते हैं बत्तीस बत्तीस और ग्यारह बनते हैं बेटा फोर्टी थ्री ये तो बात नहीं बनी सर ये तो कोई पॉइंट नहीं बना तो कोई बात नहीं आप नंबरिंग राइट साइड से करके देख लो भाई अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने पे बात नहीं बन पा रही तो नंबरिंग राइट साइड से कर लेती हैं क्या दिक्कत आ रही है बताओ डी आता है तेईस पे आई आता है बेटा अठारह पे एस आता है आठ पे और के आता है सोलह पे दिमाग लगाओ तेईस और अठारह इकतालीस इकतालीस और आठ उनचास और सोलह पैंसठ बात हो गई वेरीफाई बात हो गई सही अगली बार मैंने चेक किया तो W आता है बेटा चार पे बेटा I आता है अठारह पे R आता है नौ पे और बेटा E बनता है बाईस पे अठारह और चार बाईस बाईस बाई चौवालीस और नौ तिरपन बात एकदम ठीक है तो आप यहाँ भी कर सकते हैं चौबीस और बाईस और पंद्रह और पंद्रह छियालीस और तीस बन गया छिहत्तर क्या बच्चों बताओ सवालों का लेवल बहुत शानदार चल रहा है ना बेटा कोडिंग डिकोडिंग की बातें आपको समझ में आ रही है ना कोडिंग डिकोडिंग के सारे पॉइंट आप लोग ट्रेस कर पा रहे हैं ना बेटा सब बालक मुझे बताइए जरूर कि हाँ जी बात समझ में आ पा रही है हम चीजों को कर पा रहे हैं एक और कोड दिया दोस्तों गज़ब का सवाल गजब की बात बहुत ही सिंपल कतई आसान टाइम टेकिंग बिल्कुल भी नहीं है सारे बालक उत्तर ठीक दे सकते हैं फटाफट बताइए क्या आंसर बनेगा बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी एक भी परसेंट में डाउट नहीं आएगा इतनी देर में तो उत्तर आ जाना चाहिए इतने टाइम में तो आपका उत्तर आ जाना चाहिए बेटा इतनी देर में तो बात सॉल्व हो जानी चाहिए किसी का उत्तर नहीं आया अब तक अरे इतने बालक क्लास में हैं एक भी बालक का उत्तर नहीं आया अब तक कोई बात समझ में नहीं आए तो अल्फाबेट की नंबरिंग कर लो भैया अल्फाबेट की नंबरिंग से तो बात दिमाग में आ जाएगी तो क्या मत मारिएगा प्लीज़ अभी तक तीन चार लोगों ने उत्तर दिया सबने अलग अलग एक ने सी एक ने ए एक ने डी तो कोई बी भी, भी कह दो इस बात की तो गारंटी है कि चारों में से तो एक ना एक बनी जाएगा अरे चारों में से तो एक ना एक बात बनी जाएगी क्यों नहीं कर पा रहे फिर इतनी देर में सवाल नहीं कर पा रहे अरे अल्फाबेट की नंबरिंग के बारे में कोई आइडिया है कि नहीं है अल्फाबेट की नंबरिंग के बारे में कोई बात जानते हो कि नहीं जानते कैसे सवाल करोगे यार तुक्का नहीं मारना अर्शिदा आपने जो बी कहा है ना बी के आगे जो ये आपकी स्माइली है ये बता रही है कि तुक्के मार रहे हो कुछ सोचो बेटा प्लस माइनस कोई आस पास की बात कोई नई आइडिया पड़ रहा तो कोई क्रॉस कोडिंग करके देख लो अरे कोई बात में नई सीक्वेंस बन रही तो कोई क्रॉस कोडिंग करके देख लो भाई जो लोग ये बी आंसर दे रहे हैं कि वैसे ही छाप रहे हो क्या सवाल कर भी रहे हो भाई वैसे ही छाप रहे होगी क्वेश्चन कर भी रहे हो गलती से वो पूरा डिलीट हो गया था सुनो कोई बात नहीं देखो आपने ये लिखा कि एक कोडिंग लैंग्वेज में वी आई आर टी यू ई का जो कोड है वो किया हुआ है एक्स सी ई वाई एन दोस्तों अगर आप रनिंग एग्ज़ाम के बीच में हो अगर आप रनिंग एग्जाम में चलते पेपर के बीच में हो इस प्रकार का सवाल आपके सामने एकदम से आ जाए बेटा और आप किसी प्रकार से कोई लॉजिक ट्रेस नहीं कर पा रहे बेटा यकीन मानिए आप ये सवाल क्विट करना मतलब आप इस पर लॉजिक बेटा मत बनाना क्योंकि जो सवाल आपसे पेपर में एक मिनट से ज़्यादा टाइम की डिमांड करता है वो सवाल बेटा एक्चुअल में सवाल होता ही नहीं है उसे बेटा करने की नीड नहीं है उस सवाल को बेटा आप प्रयास मत करना वो सवाल आपके करने के लायक नहीं है उसे आप क्विट कर दीजिएगा सीधी सी बात ये समझ में आई आपको अब आप बता रहा हूँ इसका कंसेप्ट इसका लॉजिक क्या लगाएंगे इस सवाल की बात का अर्थ क्या आना चाहिए X C E Y A N R का मतलब N कर दिया A का मतलब R हाँ अगर आप इस जगह देखो तो, अपन तो रिसर्च करेंगे अपन तो ये बातों को पढ़ रहे हैं तो इस पर पूरी रिसर्च करेंगे लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आप एस का पेपर दे रहे हो और वहाँ बीच में आपको ये सवाल मिल जाए तो चलते पेपर के फ्लो में इस पर पाँच मिनट का समय नहीं लगाना बेटा आप ये सवाल को स्किप भी करना स्किप करने में ही समझदारी है तीसरा अक्षर ये है आर होता है तेरह के बाद पाँच अट्ठारह पाँच बीस और पाँच पंद्रह और पाँच बीस ठीक है चौबीस कुछ कुछ मुझे आइडिया सवाल का यूं लग रहा है देखो कुछ कुछ मुझे बात का आइडिया यूं लग रहा है कि ए बी सी डी ई फिर ई e से शुरू करता तो ई e के बाद में एफ एफ जी एच आई जे के एल एम एन कोई कॉम्प्लेक्स सा लॉजिक सवाल में दिया हुआ है डिफिकल्ट सी बात कोई दी गई है कुछ ऐसा मुझे लग रहा है साहब जैसे देखो आई होता है ना ये तीसरा वॉवल है और सी तीन पर है आर आता है तेरह और पाँच अट्ठारह ये आता है टी पंद्रह और पाँच बीस यू आता है बेटा फिर नेक्स्ट और नेक्स्ट से बात बन नहीं पाएगी नहीं बेटा नहीं ये लॉजिक तो काम कर नहीं पाएगा तो वी में बाईस में दो ऐड किया और इधर चौदह में और बीस में छः कम छः कम छ प्लस हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा सवाल पे तर्क यह दिया जाएगा जहां तक मैं देख पा रहा हूं 18 और छह चौबीस होते हैं क्या और बाईस और इसकी एक गड़बड़ लग रही है मेरे को इधर चौदह बीस में से देखो छह माइनस है और ये भी देखो छह माइनस है और यह छह प्लस है बाईस और छह 28 यहाँ एक गड़बड़ लग रही है बेटा यहाँ बी आना चाहिए था यहाँ अगर बी होता ना तो बात सही बन जाती बाईस और छः 28 और ये छः माइनस ये बेटा बीच में ना जो एक वो ई है आई थिंक वो ई में कहीं गलती रही होगी या सवाल लिखने में या एग्ज़ामिनर से कहीं बनाने में ई वाले पॉइंट पर मेरे हिसाब से कुछ और जानकारी आनी चाहिए बाकी मैंने आपको लॉजिक बता दिया सवाल का ये माइनस छः प्लस छः का लॉजिक था आस पास की छः बातें सही रही है मेरे को अगर मैं मोडेस्ट का लॉजिक बनाऊंगा एम ओ डी ई -E एस टी तो आप समझिए इसमें छ जोडूंगा जे बनेगा इसमें छ कम करूंगा बेटा आई बनेगा फिर एस बनेगा इसमें छ माइनस करूंगा एन बनेगा उन्नीस में छः जोड़ूंगा वाई बनेगा और ई में वाई बनेगा उत्तर बनेगा ए ऑप्शन आपका बेटा एक की जगह पर एन बनेगा वहां से आपको बात क्लियर हो गई थोड़ी सवाल में प्रिंटिंग मिस्टेक थी बेटा वो एक्स सी बी आएगा बी तो वो ही दिक्कत कर रहा था उत्तर ए बनना चाहिए बोलो बात समझ में आई सवाल नंबर 19 हो 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 ये तो भाई साहब मतलब सवाल क्या जुल्म हो गया ये तो ये तो बच्चों पे जुल्म हो गया सवाल क्या हो गया है एम ए जी आई सी एन जेड टी आर एक्स एल ए वाई ई आर ओ Z B V I. इस सवाल में लॉजिक क्या था अपोजिट लेटर पेर? A, Z, B, y, C, X, D, w, E ए जेड बी वाई सी एक्स डी I जी टी एच एस आई आर जे क्यू N बच्चों ये थर्टीन अपोजिट लेटर पेयर होते हैं इनको याद मस्त कीजिएगा बेटा बीस नंबर सवाल बीस नंबर सवाल फटाफट काउंट करना जल्दबाजी से आपका उत्तर आ जाना चाहिए <च्छाँगा> <च्छाँगा> अल्फाबेट की नंबरिंग को समझ पा रहे हैं बेटा फोस्टर में देखो एफ़ को तो नंबरिंग करी लेफ्ट साइड से ओ को करी राइट साइड से इसको करी लेफ़्ट साइड से इसको भी लेफ्ट साइड से इसको राइट साइड से और इसको लेफ्ट साइड से वावल को नंबरिंग कर रहा है राइट साइड से तो मैरिज का कोड पूछा बहुत ख़तरनाक सा कोड बनेगा एम ए आर आर आई ए जी ई तो एम को कोड करना तेरह ए का कोड करना छब्बीस उत्तर डी तो सभी संभव ही नहीं है आर का कोड अठारह अठारह करना है उत्तर ए कभी संभव नहीं है आई को कोड भी आपको अठारह ही करना है उत्तर आपका बी बन गया ए को छब्बीस करना पड़ेगा जी को सात करना पड़ेगा ई e को बाईस करना पड़ेगा तो बच्चों आज की क्लास के ट्वेंटी क्वेश्चन अपने हो गए कंप्लीट मैंने आज आपको बेटा कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक के काफ़ी शानदार लेवल के 20 सवाल बताने की कोशिश करी सवाल देखकर आपको ये समझ में आया होगा कि वास्तव में इनका लेवल बहुत उम्दा है ये बहुत अच्छी क्वालिटी के बहुत जैनुअन क्वेश्चन है और आप सारे बालक बड़ी शिद्दत से इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा यकीन बेटा आप इन बातों को समझ पाएंगे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे ठीक है दोस्तों तो आज इतना ही बेटा बाकी बातें करेंगे कल बेटा कल पढ़ेंगे आज के लिए शुक्रिया दोस्तों नमस्कार जय हिंद जय भारत दोस्तों ठीक